सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है NDTV इलेक्शन कार्निवल। NDTV पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है NDTV इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NDTV कार्निवल एक बार फिर से वापस सड़क पर है। हरियाणा के चुनाव में, हरियाणा की चौधराहट की जो लड़ाई है, उसमें जनता जो है वो किस तरफ उसका झुकाव है, किसका मूड है और क्या माहौल है और क्या मुद्दे हैं, इन सबको जानने के लिए हम सड़क पर निकल चुके हैं और कोशिश ये करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ प्रवक्ता जुड़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के, उनसे भी बात करेंगे और खास तौर से क्योंकि NDTV है जनता की आवाज़, तो हमारे साथ यहाँ पर ये जबरदस्त जनता भी जुड़ी है। जरा अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। और इनसे पूछेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं, 5 साल में क्या हुआ और अभी क्या ये चाहते हैं, इन सब चर्चाओं पर बात करेंगे। कहाँ हैं हम नारनौल में हैं। नारनौल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पड़ता है। नारनौल विधानसभा पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है, तो क्या ये जो BJP का गढ़ है इस बार इसमें कुछ बदलाव है, क्या लोगों की इच्छाएं पिछले 10 साल से जो सांसद जहां पर विधायक रहे हैं पूरी कर पाए हैं, क्या मूड है क्या माहौल है, उस पर बात करते हैं। चलिए तो अपने मेहमानों को बुला लेते हैं और शुरू करते हैं इलेक्शन कार्निवल का ये एक जबरदस्त जोशीला कार्यक्रम। हमारे साथ अजय चौधरी साहब जुड़ रहे हैं, JJP के राष्ट्रीय यहाँ पे राज्य के प्रवक्ता हैं। चौधरी साहब आ जाइए, आपके लिए कुर्सी वहाँ पर तैयार है, ज़रा ताली स्वागत कर लीजिए भाई, आपके यहाँ के ही नेता हैं। हमारे साथ विनोद यादव जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। विनोद जी यहाँ से जाने माने चेहरे हैं, लोग जानते हैं विनोद जी को, आइए विनोद जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ राकेश शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत ये तालियों के साथ। राकेश जी अपने साथ अपना बढ़िया मजमा लेकर आए हैं। राकेश जी, बहुत सारे लोगों ने आपके लिए तालियां बजाई हैं। और हमारे साथ थोड़ा सा राजनीति से अलग माहौल मुद्दा समझने के लिए हमारे साथ धर्म नारायण शर्मा जी जुड़ रहे हैं, पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, अच्छी खासी पकड़ रखते हैं हरियाणा पर, नारनौल पर। तो आप सबसे बात करेंगे, आप सबकी चेयर जो है वहीं पर, उनके साथ साथ माइक भी होगा। मैं एक एक करके आप लोगों के पास आऊँगा, जनता जो सवाल पूछेगी वो भी आपके पास लेकर आऊँगा और उसके बाद जो आपसे सवाल हैं जनता के वो आप तक पहुँचाए जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर MLA हैं। तो राकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ही पहला सवाल शुरू करता हूँ। 10 साल, 9.5 साल खट्टर साहब के और उसके बाद 6 महीने अब नायब सैनी साहब के, अगर खट्टर साहब इतना बढ़िया काम कर रहे थे तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उनको हटाना पड़ गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का निर्माण, समय समय पर कार्यकर्ताओं को अवसर दिए जाते हैं। यहाँ बपोती नहीं है कि पार्टी में एक व्यक्ति को अवसर मिला तो दूसरे व्यक्ति को अवसर नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर मनोहर लाल जी के 9.5 वर्षों में आप बदले हुए हरियाणा को देख रहे होंगे। अगर आप दिल्ली से आए होंगे तो आपने दिल्ली से नारनौल का हाईवे देखा होगा। अगर आप चंडीगढ़ से आए होंगे, वही चंडीगढ़ जिसको जाने में यहाँ के व्यक्ति को 3 दिन का समय लगता था और सरदर्द रहता था चंडीगढ़ के नाम से। आज हालत ये है कि हम सुबह 6 बजे चंडीगढ़ के लिए निकलते हैं और 9 बजे चंडीगढ़ पहुँच के शाम को 6 बजे अपने घर वापिस आते हैं जी। नाश्ता करके जाते हैं और डिनर घर आकर करते हैं। ये उपलब्धियां मनोहर लाल जी की थी। रही बात नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी शुरुआत मंडल अध्यक्ष पे बतौर पर हुई, वो मेरे साथ जिले के अध्यक्ष रहे, पार्टी में अनेक दायित्वों पर रहे, विधायक रहे, आपने बताया रहे, खट्टर साहब ने कितना काम किया, तो उनकी तपस्या में क्या कमी रह गई थी? 6 महीने उन्हें आप और नहीं दे पाए? नहीं, कोई तपस्या में कमी नहीं, या फिर कोई तपस्या में कमी नहीं, सुन लीजिए, या फिर इस बार जो कहा जा रहा है कि देखिए शायद इस बार एंटी इनकम्बेंसी हावी है तो इस वजह से खट्टर साहब को हटा के नायब सिंह सैनी साहब पे हार का ठीकरा फोड़ देंगे अगर ऐसा हुआ तो? नहीं, देखिए, हार के ठीकरे का विषय नहीं है। हार के ठीकरे का विषय तब आता है जब हार सामने दिख रही हो। हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9.5 वर्षों में
जो बदलाव किए हैं वो बदलाव सबको नजर आते हैं। चलो तो एक कार्यकर्ता को अवसर दिया गया और वो कार्यकर्ता ने भी जितना समय दिया उस समय में हरियाणा का डंका बजाने का काम। हरियाणा में डंका किसका बजेगा ये तो अब जनता बताएगी 8 तारीख को, 5 तारीख को जनता को वोट करनी है। इस बार जो कहा जा रहा है कि भाई बायपोलर कॉन्टेस्ट दिखाई पड़ रहा है, बायपोलर का मतलब सीधी सीधी टक्कर दिखाई पड़ रही है कांग्रेस और बीजेपी में, ऐसा क्या जमीन पर है? विनोद यादव जी, आप तो टिकटार्थी भी थे मुझे बताया गया, उम्मीद थी आपको भी टिकट मिलेगा, अब आपको तो सर टिकट नहीं मिला है, लेकिन क्या सीधी टक्कर है या लग रहा है कि और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं? और ऐसा ना हो कि हुड्डा साहब को जो उम्मीद थी पिछली बार 2019 में वैसे ही थोड़ा दूर रह जाए और आपके साथ बैठी जेजेपी फिर से उनको समर्थन करके सरकार में पलटवा दे। सर ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ हम बैठे हैं यहाँ आप नज़र देखें तो इतना हुड्डा का बुरा हाल कर रखा है बीजेपी वालों ने, बीजेपी सरकार ने इतना बुरा हाल कर रखा है। आप जहाँ यहाँ से अंदर जाएंगे ना, यहाँ से हुड्डा के अंदर जाएंगे गोटा गोटा पानी भर रखे हो जी, और जो ये कह रहे हैं ना फिल्टर का पानी आ गया, ये वो आ गया, अगर आप ये आके नहर है उसका पानी पी के देखोगे ना आप, तो आप पी नहीं सकते, पशु भी नहीं पी सकता, ऐसा पानी है। पर भाई साहब एक बात बताओ, अगर इतने सारे मुद्दे हैं जी और हरियाणा में कुछ करा नहीं तो दो बार से नारनौल में आपका विधायक जीता क्यों नहीं? हाँ, बीजेपी सरकार ने 70 पार का नारा लगा के मेरे बहुत ही भाई मतलब आम आदमी होते हैं ना जैसे, हाँ जी, सच्चे और ईमानदार, उनको बहका दिया, कुछ काम नहीं किया धरातल पे बीजेपी सरकार ने। अच्छा, और डोंग करते हैं कि हमने ये किया वो किया, आप देखो हमारे यहाँ कोरियावास गांव में मेडिकल कॉलेज बनवाया, मेडिकल कॉलेज बनाया आराम के लिए, किसी ने ये कहा कितने आदमी इसमें इतने बच्चे सेलेक्ट होंगे यहाँ? ठीक है, एक बात मैं, चलिए आपने अपनी बात रखी, शुरुआत अजय चौधरी आपको तो बीच में बैठाना चाहिए था क्योंकि अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इधर जाओगे या इधर जाओगे। मौका मिलेगा तो बता देंगे कितना प्यार करते हैं आपसे, बता देंगे अभी मौका मिलेगा, नहीं मौका मिलेगा, कुछ विधायक आ जाएंगे तो तय करेंगे कि किस तरफ जाना है। मैं आपको एक बात कह सकता हूँ और बड़ी जिम्मेवारी से, और नेशनल टीवी पर बैठ करके एक बात कहता हूँ कि 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का जो नुकसान हमने झेला है, मैं आपके टीवी पर बैठ करके कहता हूँ इनके साथ नहीं जाएंगे। पर एक बात बताओ, आपको 4.5 साल बाद नुकसान नजर आया, सिर्फ चुनाव से 6 महीने पहले, तब तक चलता रहा था सब ठीक ठाक, मतलब सत्ता जब तक मिलती रही जैसे कहते सत्ता की मलाई चल रही थी तब तक ठीक ठाक, और 6 महीने पहले नुकसान याद आ गया। लोगों का सेंटीमेंट जब लोगों के बीच में गए, क्योंकि 2 साल तक तो कोरोना की वजह से लोगों के बीच में नहीं जा पाए, फिर किसान आंदोलन की वजह से नहीं जा पाए, अब आप यहाँ आए हो तो ही तो आपको पता चला ना कि माहौल क्या है। हाँ, दूसरा मैं आपको एक बात कहता हूँ, हाँ जी, कि जो अभी राकेश जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं का बड़ा स्वागत सम्मान होता है, किस तरह का सम्मान होता है पंडित रामविलास शर्मा जी का देखा होगा आपने, और इन्हीं के 2014 में इस पार्टी को हरियाणा प्रदेश में स्थापित करने वाले इनके वालिद साहब थे, 2014 में आपके बीच में मंच से उतारा था कि नहीं उतारा था, ये कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात करते हैं। ठीक है जी, तो ये तो शुरुआत में जो हमारे नेताओं की बात थी वो हो गई, लेकिन शर्मा साहब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव का रिजल्ट आने से पहले जीत रही होती है, सभी की मेजोरिटी आ रही होती है, जनता को तय करना है वो 5 तारीख को क्या होगा और 8 को रिजल्ट चलेगा पता, लेकिन स्थानीय मुद्दे क्या हैं, ऐसा क्या है नारनौल में जो इतने सालों में आप देख रहे हैं चुनाव में, क्या कुछ अलग आपको दिखाई पड़ रहा है इस चुनाव में, या जैसा चुनाव हमेशा होता है बिल्कुल वैसा ही आपको बनता दिखाई पड़ रहा है, जाति पर चुनाव है या मुद्दों पर चुनाव है? हमारे यहाँ इस बार कोई मुद्दा ही नहीं है, ये सारा चुनाव धीरे धीरे जाति की तरफ समेटा जा रहा है, और जाति में भी भाजपा और कांग्रेस ये इस क्षेत्र की सबसे जो बाहुल्य वाली जाति संख्या है, यादव जिसको हम कहते हैं, ये उनके बीच का चुनाव है, इसमें सैनी वोटर जो है वो अभी फैक्टर बनकर निकलेगा, हो सकता है सैनी इसमें नायब सिंह सैनी को देखकर जी बीजेपी की तरफ खिसक जाए, लेकिन अगर हम आज की बात करें, हाँ जी,
तो ये सैनी वोटर भी तीन स्थानों पर बटा हुआ है, अभी ठोस निर्णय सैनी वोटर का भी नहीं हुआ है। क्या मुद्दे हैं सर? आपने कहा वैसे मुद्दा विहीन चुनाव है, लेकिन आप इस शहर में रहते हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं मुद्दे उनके पास जाता हूँ, पूछ आ रहा हूँ आपके पास, क्या मुद्दे हैं शहर के, क्या मुद्दे हैं विधानसभा के? आपने एक लाइन पहले कही, इसलिए मैंने उसको मुद्दा विहीन बोला। आपने कहा हर बार के चुनाव में क्या होता है, सड़क, सफाई, सीवरेज, हमारे शहर का छलक नाला, ये इस प्रकार के मुद्दे हैं, और ये पिछले चुनाव में भी थे। इसलिए चुनाव मुद्दा विहीन है। इनकी तरफ कोई भी प्रत्याशी कोई बात कह नहीं रहा है। वो सिर्फ ये कह रहा है मैं विकास करवाऊंगा। विकास कैसे करवाओगे? जो मौजूदा विधायक है उन्होंने इन तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? जनता भी उस विकास नाम के शख्स को ढूंढती फिर रही है। भाई साहब क्या मुद्दे हैं, जल्दी बताइए मुद्दे, नाम बताओ पहले। देहरा सोनी में कई बार मैं पार्षद। तो सोनी साहब वो कह रहे हैं कि आप बड़े निर्णायक फैक्टर होंगे, नायब सिंह साहब को वोट देने वाले हैं क्या सारे सोनी? स्टेट के मुद्दे हैं, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पोर्टल व्यवस्था, सबकी में ठप हो रहा है सारे। बोला भाई ठप हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल ठप है, मुद्दे मुद्दे हैं। क्या नाम है भाई आपका, युवा हो? जी मेरा नाम अजय यादव है। अजय यादव जी क्या मुद्दे हैं, युवाओं के क्या मुद्दे हैं, युवा क्या चाह रहा है इस बार? युवाओं के तो काफ़ी बेरोजगारी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही इनके आंकड़े जारी हुए हैं कि इन्होंने 1,43,000 नौकरियां दी है, जिसमें हरियाणा केसल रोजगार योजना भी आ ली, डीसी रेट भी आ लिया और स्थायी नौकरियां। युवा के लिए रोजगार मुद्दा है, आप उससे खुश नहीं है सरकार से रोजगार के मुद्दे पे जितना काम किया? हाँ जी बिल्कुल खुश नहीं है। 56-57 और हरियाणा पुलिस की भर्ती है जो काफी दिनों से रुकी हुई है सर, हमने 3-3 बार तो पेपर दे लिया, ना हमारी सर हमने ना तो कांग्रेस से कोई वो ना हमें बीजेपी से, पर हमारी ये भर्ती पूरी कराई जाए, हमें आश्वासन दिया जाए दोनों पार्टियों से, अगर वो आगे आती हैं तो हमारी ये भर्तियां कैंसिल ना। दोनों पार्टियां कह रही हैं, एक कह रही है 2,00,000 हम रोजगार देंगे, दूसरी कह रही है हम हरियाणा में रोजगार देंगे। ये कौशल रोजगार निगम के दिए हैं और एक बच्चे जो ग्रुप डी में थे 10,000 वही बार बार में रिपीट हो रहे हैं, और सर हमें दोनों पार्टियों से आश्वासन चाहिए कि हमारी ये भर्तियां कैंसिल ना हो। कितना आश्वासन चाहिए और क्या मुद्दा? एक मिनट इस तरफ भी आ जाता हूँ भाई साहब, बड़ी रंग बिरंगी शर्ट पहन रखी। मेरा नाम सर अभिमन्यु यादव है। मैं आपको बता देता हूँ बीजेपी मैनेजमेंट पार्टी है, यहाँ भी सब कुछ मैनेजमेंट कर रखा है, जो आपको असली हकीकत है आप सुन नहीं पाओगे, कोई बोलेगा तो चिल्ला चिल्ला के खड़े हो जाएंगे। आप बोलो भाई साहब सुन रहे हैं। इस शहर के आप रोड देखो, इन्होंने शहर के बार बार रोड बना दिए जो व्यापारी हो। आप तो युवा हो, वोट किस पे करोगे, यादव के नाम पे वोट करोगे या मुद्दों के नाम पे वोट? वोट होंगे विकास के नाम पे, शहर के। हम दोनों ही कह रहे हैं विकास हो, शहर के लोग हैं, शहर की जरूरतें हमें मिलेंगी, हर आदमी को मिलेंगी, ना नौकरी हर आदमी को मिल सकती। दो प्रमुख मुद्दे निकल के आए, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी की बात हो रही है कि आप लोग रोजगार नहीं दिला पाए, तो राकेश शर्मा जी रोजगार का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी उठा, इतना जबरदस्त उठा, हरियाणा में भी इतना जबरदस्त उठा कि 5 सीटों का आपको नुकसान हो गया। युवा अभी भी कह रहा है कि रोजगार आप लोग दिला नहीं पा रहे, तो आपको लगता है कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार में कुछ कमी रह गई, कुछ बेहतर कर सकते हैं? नहीं देखिए, 10 साल की हुड्डा सरकार ने 1,18,000 नौकरियां दी थी, और उस 1,18,000 नौकरियों का भी जो मापदंड था वो पूरा हरियाणा जानता है, किस प्रकार से बिना पैसे के नौकरी नहीं मिली, और उसमें भी क्षेत्रवाद, अगर आप झज्जर से बिलोंग करते हैं, अगर आप रोहतक से बिलोंग करते हैं, अगर आप सोनीपत से बिलोंग करते हैं और वर्ग विशेष से बिलोंग करते हैं तो आपकी नौकरी पक्की थी, परंतु वहीं जहां हरियाणा सरकार ने, जहां हुड्डा को 10 वर्ष का कार्यकाल मिला, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 2014 से 24 तक का कार्यकाल, जिसमें 2 साल कोविड के चले गए, उसमें हमने लगभग 1,85,000 नौकरियां दी, और उन नौकरियों की खासियत सुनिए, वो बच्चे नौकरी पूछ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि मेरी बात तो पूरी करूं ना, थोड़ी है कि ये जनता का भाषण चल रहा है, सवाल सुन लीजिए। बच्चे पूछ रहे हैं कि पेपर बार बार क्यों लीक हो जाते हैं आपके उसमें? देखिए अब पेपर की बताऊंगा, सुनिए आराम से, खाली पेपर लीक की ही नहीं बताऊंगा, उसके बाद जो बार बार भर्तियां रुकी हैं 10 साल के शासन में कांग्रेस के में, एक भर्ती रोको गैंग से पूछूंगा, अपना बताओ आप। भाई साहब मैं मेरा ही बता रहा हूँ, भर्ती रोको गैंग और पेपर लीक रोको गैंग एक हरियाणा में सक्रिय था, वो नहीं चाहते थे कि योग्य लोगों को नौकरियां मिले, वो लोग योग्य नौकरों को नौकरियां मिले वो चाहते ही नहीं थे, और कांग्रेस का ये राय परिपेक्ष, योग्य लोगों को नौकरी देना ही नहीं चाहते लोग, अयोग्यता हावी है इन पर। क्या किया
बीजेपी की सरकार में बड़ी कई बार पेपर लीक हुए, खट्टर सरकार ने क्या किया? नहीं, छोटा जवाब दीजिए, वो सरकार ने बस 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 सरकार ने पेपर लीक मामले में तो बाकी क्या करेंगे? देखिए, सवाल पूछने के बाद जवाब का भी इंतजार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक मिनट, इतने गुस्से में नहीं भाई साहब, आराम से वोट डालने का पूरा मौका मिलेगा, जिसके लिए वोट डालना है आराम से करना, गुस्से में नहीं, आराम से भाई साहब बताओ जी। देखिए, सरकार ने कोई भी पेपर अगर लीक हुआ है हाँ, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है। कांग्रेस के लिए जो मुद्दा निकल कर आया कि हुड्डा साहब के 10 साल में हरियाणा में सिर्फ एक क्षेत्र रोहतक और उसके आसपास के इलाके में विकास हुआ, बाकी सारे इलाकों की आपने अनदेखी करी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, पूरे हरियाणा में विकास हुआ है। ऐसा नहीं हुआ, पूरा हरियाणा में विकास हुआ है। उनको अपनी बात खत्म करने दो, फिर पीछे आ रहा हूँ। हाँ जी, हमारे जिले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांग्रेस के राज में बनी, मंदरगढ़ में हाँ। आप देखो, बाबा केतानाथ के नाम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बना यहाँ पटीग्राम में, कौन कहते हैं क्या उन्होंने विकास? पर ये बताइए, इस बार हुड्डा साहब के नाम पे चुनाव हो रहा है या अभी कुछ संशय है? शैलजा जी नजर नहीं आ रही आजकल। शैलजा जी हाँ, हर जगह अपने क्षेत्र में जाती है शैलजा जी, पूरे हरियाणा में घूम रही है, पूरे हरियाणा में घूम रही है जी। मुख्यमंत्री कौन है? नारोल में भी आई थी शैलजा जी। मुख्यमंत्री तो हमारी पार्टी का, पार्टी की आला कमान। एक सवाल जल्दी सवाल हाँ, जो अब राकेश जी कह रहे बिना पर्ची, बिना पर्ची, अरे वो नागर एचसीएस की भर्ती, डेंटल सर्जन की भर्ती में पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? और सुनो, एक एक करके बस, पीछे वालों से बात नहीं हुई। हाँ जी बताओ, आराम से बाबूजी, सारे आराम से बाबूजी, आ रहा हूँ। त्यागी जी, बीजेपी की सरकार में दो ही काम खराब हुए हैं, फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी, और बाकी सारे बुरे काम कांग्रेस सरकार में हुए हैं। बताओ जी बाबू, सुन ले, हमारे हुड्डा सीवर में, हम हुड्डा में रहते हैं, आप इसके रोड के माँ के निकल नहीं सकते। ये सीवर है ना, ये 2 महीने से बंद पड़े है, ये मेन जो सीवर सारा हुड्डा जुड़ता है, सारी कॉलोनियां जुड़ती हैं, विकास का तो कोई नाम ही नहीं, विकास का नाम नहीं। बताओ भाई, बीजेपी सरकार आने के बाद में इस क्षेत्र को नया जीवन दान मिला है, पानी की बूंद नहीं मिलती थी किसानों को, इतना पानी आया है, पानी का लेवल ठीक है। एक मिनट भाई साहब, सब पे आऊंगा घूम के, सब हर कोने में जाने दो। हाँ, कांग्रेस के टाइम में रोहतक से लेके ना चरखी दादरी तक चौड़ी सड़कें बनती थी, और यहाँ आने के बाद में मशीनें छोटी हो जाती थी, सिंगल रास्ते बनते थे। आज हरियाणा के अंदर पूरे घूम के देख लो सड़कों में बढ़िया काम हुआ है। ताई क्या मुद्दा इस बार? क्या मुद्दा? कुछ भी कौन है, हमने तो बीजेपी की चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए। तो मोदी के लिए ताई, तो वोट मोदी के लिए? निम कौन सा है? भगवान का रूप से। तो ये एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जरा, यहाँ पे भी थोड़ा सब लोग सांस ले लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा सवाल पूछेंगे। लेकिन ये आपने सुना ना उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, यानी कि मोदी फैक्टर जो है वो क्या अभी भी इतना बड़ा है कि चाहे सीएम कोई भी हो, पर वोट जो है बीजेपी के वोटर का वो मोदी के नाम पे जा रहा है, और क्या वो फैक्टर इस बार चलने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी कार्निवाल हरियाणा। इस बार हम नारनौल में हैं, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, हर कोने से लोग चाहते हैं कि उनके सवाल पूछे जाएं। तो एक बार एक काम करते हैं, ब्रेक के बाद आने के बाद 5 सवाल लेते हैं, 5 सवाल कोशिश करते हैं लोगों के लिए जाएं, क्योंकि सवाल बहुत हैं। भाई साहब बहुत देर से आप परेशान हो, बताओ जी क्या नाम है आपका, सवाल बताओ। अशोक कुमार नसीपुर। सबसे पहले तो एनडीटीवी को सवाल बता दो भाई साहब, एनडीटीवी को आपने धन्यवाद किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जल्दी बताओ। मैं कहता हूँ बीजेपी सिर्फ जात की और पात की राजनीति करती है, कांग्रेस नहीं करती। नहीं, कांग्रेस नहीं करती सर, बीजेपी सिर्फ जात की पात की राजनीति करती। बीजेपी 35-1 कर रही थी, कांग्रेस इस बार कह रही है कि जाट और एससी हमारे साथ, इस बार हम कल फतह कर लेंगे। सर ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो 70 पार है, लेकिन सिर्फ बीजेपी जात और पात की राजनीति करता हूँ। कांग्रेस की ईमानदारी से ना, झूठ मत बोल। कार्यकर्ता सर, कार्यकर्ता हूँ मैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, मैं आम आदमी का आदमी। ठीक है जी, हाँ बताओ बताओ। पीछे वाले, आ रहा हूँ। भाई साहब रुक जाओ, भाई साहब आ रहा हूँ, आप तो आराम से आ सकता हूँ आप तक, पीछे वालों तक जाता हूँ। एक मिनट भाई, ये दो लड़के खड़े हुए हैं बहुत देर से, और इस बाइक तुम्हारी है ये बाइक? ये और कीमत खड़े हैं, झगड़ा हो जाएगा। हमारी है।
अच्छा क्या सवाल है भाई इस पे जो खड़े हुए हो तुम लोग इतनी ऊंचाई पे, युवा का क्या मुद्दा है? युवा का बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, हर किसी चीज का मुद्दा ही मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी ने 10 साल के अंदर कुछ करा ही नहीं, सिर्फ बातें बनाती है और कुछ करती नहीं है भाई। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। आप लोगों के पास नौकरी है अभी? हम नौकरी ढूंढ रहे हो? जब फार्म निकलते हैं रुपए भरवा लेते हैं, फिर उसको कैंसिल कर देते हैं, रुपए हमारे खाते पर लीक हो जाते हैं। हाँ जी बताओ जल्दी, ये भाई साहब इनसे पहले, हाँ बताओ, एक मिनट एक मिनट। मैं हुड्डा का जनरल सेक्रेटरी हूँ यहाँ। बहुत बढ़िया जी, बताओ, बताइए आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने कम से कम रंजीत चौटाला जी यहाँ पे आए थे, वैसे सवाल सर, सवाल ये है कि यहाँ की जर्जर कंडीशन है हुड्डा की, आज तक किसी ने कोई सुध नहीं ली, और ऊपर से उनके भाई साहब वापस आके और जगह भी जाना है, वापस आके, चार सवाल हो गए हैं। हाँ जी बताओ 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 बताओ, आप पूछो तो सर, और आगे भाई साहब पूछो, आगे पूछने दोगे तब तो पूछूंगा। हो गया सर, हो गया। ये चुनाव नारनौल में अब की बार एकदम सही, जो विकास का काम करा सकता है, जो एडीओ साहब ने जो काम करके दिए वो सब ने देख लिए। अभी जो है नरेंद्र जी, ये जो अपने जो नरेंद्र यादव जी जो है, ये युवा है और शहर के सभी युवा। ठीक है, हाँ जी बोलो 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 भाई साहब, माइक मेरे पास है, बताओ। हेलो भाई साहब, जो लोग दक्षिण हरियाणा का एक मुद्दा था, जल पानी का मुद्दा था, दक्षिण हरियाणा का पानी का मुद्दा था, पानी आ रहा है हरियाणा में, सबसे बड़ा मुद्दा पानी का था। चलो जी राकेश जी, 10 साल बीजेपी के एमएलए रहे हैं, लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि 10 साल आपका काम देख लिया, तो क्या आपको लगता है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी इस बार भारी पड़ने वाली है? नहीं, किसी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आप जब देखेंगे नारनौल क्षेत्र में 2014 से पहले हमारी यहाँ स्थिति आती है, हरियाणा रोडवेज के ड्राइवरों ने चाबियां छोड़ दी थी क्योंकि रोड नहीं थे चलने के लिए। दूसरी बात, यहाँ हमारे वो अभी भी कह रहे हैं कि हुड्डा में चले जाओ, अंदर सड़कें वहाँ पे भी नहीं बनी हुई, सुनिए तो, उन्हीं की सुन रहा हूँ भाई साहब, जनता की सुन रहा हूँ। जवाब आप जवाब तो लोगे आराम से, आप जवाब तो लोगे क्या क्या आप जवाब तो लोगे भाई साहब नहीं, आप जवाब तो लोगे, आप पीछे जाओ पहले, मैं आपका, आप पीछे जाओ। क्या कह रहे हो आप, इनका घर वहीं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि राकेश जी का घर वहीं है, और ये अभी दो सारे सवाल आपसे ले लूं क्या सेक्रेटरी, 2 मिनट का रास्ता है, और यदि आधे घंटे में पहुंच के दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। राकेश जी एक मिनट, राकेश जी दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बता दो, आपके घर के बाहर की सड़क ठीक है क्या? एक मिनट सुनिए, ये कह रहे हैं 2 मिनट, हाँ। मैं गारंटी से कहता हूँ आप मेरे साथ चलिए, मैं 1.5 मिनट में घर पहुंच के दिखा, 1.5 मिनट में। क्यों जनता कांग्रेस को चुने अगर 10 साल तक नकारा है, तो 10 साल तक अगर कांग्रेस नकारी गई तो अब क्यों? हमारी पार्टी बेरोजगारों के लिए रोजगार देगी, साल में 2 लाख रोजगार देगी, और पहले भी रोजगार दिया हमारी पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने रोजगार दिए थे, 2 लाख प्रतिवर्ष रोजगार देगी, और बीजेपी सरकार ने अग्निवीर चला दी, बेरोजगार युवाओं का बुरा हाल कर दिया, कभी आर्मी में अग्निवीर होती नहीं थी, हाँ। और जो भी एग्जाम बीजेपी सरकार करवाती है, फार्म भरवाती है, नहीं वो कंप्लीट भर्ती होती नहीं। उसके बाद भी नॉर्नल ने आपको चुना नहीं 2 बार? उस टाइम नहीं चुना, लेकिन अब चुनेगी सरकार, अब क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि बदलाव करेंगे, हाँ। बीजेपी सरकार को देख लेना, 10 साल के लिए बेरोजगारी बढ़ा दी। शर्मा जी, ये जो इतना बहस है, हम लोग बात कर रहे थे कि मुद्दों की बात नहीं है, मैं कम से कम 5 बार ये सुन चुका, हुड्डा की बात है, पानी की बात है, इतने सारे मुद्दे लोग बता रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं जो आकलन है किस तरीके का लोकल MLA के 10 साल का, क्या वो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है? क्या लोग जो ये यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं उन्हीं मुद्दों पे जाके वोट देते हैं, या वोट डालने से पहले उनकी बात कुछ बदल जाती है? मैंने आपको पहले कहा कि इस इलाके में मुद्दे गौण हो जाते हैं जब चुनाव आता है, तो ये आवाजें उठेंगी, हाँ। चुनाव में अभी 12-13 दिन का समय बाकी है, चुनाव प्रमाण चढ़ेगा, जब 5 तारीख को ये लोग वोटिंग करने जाएंगे तब यहाँ पर जातिगत स्थिति ज़्यादा मुखर होगी, मुद्दे गौण हो जाएंगे, तब गोत्र भी चलेगा,
जाति भी चलेंगी और खास कर, हर चुनाव की तरह कॉम्बिनेशन ऑफ बिल्कुल वही होने वाला है। हाँ इतना जरूर है कि भाजपा के 10 साल के कार्यकाल को भाजपा के 10 साल के कार्यकाल को जो एंटी इनकम बैक्सी फैक्टर है वो झेलना पड़ रहा है, लेकिन दक्षिण हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उतनी पकड़ पहचान कम है जितनी राव इंदरजीत सिंह की है। ठीक है, तो राव इंदरजीत सिंह एक बड़ा फैक्टर होंगे इस अहिरवाल क्षेत्र में, लेकिन इससे ऊपर के क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस अच्छी प्रभावी है। चौधरी साहब आपने एक बात, भाई देखो जिसे नारे लगाने हैं रैली में चले जाना पड़े आराम से, यहाँ मत लगाओ। भाई साहब आप पीछे हो जाओ, मैं आपसे बिल्कुल सवाल नहीं लूंगा क्योंकि आप बहुत बार आगे आ चुके, आपसे भी लूंगा, आप पीछे जाओ। चौधरी साहब आपने जनता देख ली जी, सवाल सुने इनके, एक मिनट पहले सर मेरा सवाल तो सुन लो। सारे सवाल बीजेपी, सारे सवाल कांग्रेस, जेजेपी पे एक सवाल नहीं आया जी। तो जनता भी मान चुकी है कि आप तो सत्ता में आने वाले नहीं, जो आ रहे हैं उन्हीं पे खेले। मैं आपको त्यागी जी एक बात कहता हूँ, आपका जो चेहरा है ना, अपन जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर ये डिबेट चल रही है, ये नारनौल का सबसे पोश इलाका है, 1,00,000 रुपए गज की जमीन के भाव है और यहाँ पर सबसे गोरे चिट्टे आप और राकेश जी हैं। आधे घंटे में आपके चेहरे पर जमी हुई जो धूल है ना, वो अपने आप बता रही है कि विकास हुआ या नहीं हुआ, विकास का तो मतलब ही नहीं। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश बदलाव के मुहाने पर खड़ा है, चाहे माने या ना माने। शायरी जेजेपी का रोल क्या रहेगा, मैं वही कह रहा हूँ, शायरी किसी भी बात को कहने का और समझाने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं राकेश जी को कहता हूँ कि टूटी हुई कश्ती का भ्रम देख रहे हैं, टूटी हुई कश्ती का भ्रम देख रहे हैं, वजीर आजम के कर्म देख रहे हैं और सत्ता का नशा इस कदर हावी है इन पर, ये देख नहीं पा रहे जो आप और हम देख रहे हैं, बदलाव होगा। मैं जनता पे जाने से पहले आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, गारंटी से बता दो, क्या जेजेपी बीजेपी के साथ दोबारा जाएगी? किसी भी सूरत में नहीं जाएगी और हरियाणा विधानसभा का ताड़ा ये तो आपने पिछली बार भी कहा था, चाबी से एसपी के सहयोग से खुलेगा, ये तो आपने पिछली बार भी कहा था, तो किया था, बीजेपी के साथ चले गए थे, चुनाव लड़ा आपने बीजेपी के खिलाफ, पिछली बार के वायदे थे हमने वायदे पूरे किए, 75% युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिया, बीसीए के साथियों को 8% पंचायती चुनाव में दिया, 50% भागीदारी महिलाओं को चुनाव में दिया। भाई साहब एक मिनट बताओ, आ रहा हूँ। अरे बाबूजी रुक जाओ, मेरी पैंटी फट जाएगी अगर आप इतनी बार खींचोगे तो। अजय चौधरी जी, 4.5 साल तक TWD महकमा इनके पास था, करोड़ों की जो बात करते हैं, 4.5 साल तक था इनके पास महकमा। और दूसरा क्वेश्चन विनोद जी से भी और अजय चौधरी जी से भी है, जिस प्रकार से नौकरियों में ऑपरेटर पैसे में लगे, ऑपरेटर सारे के सारे रोहतक से लग के आते थे, पंप ट्यूबवेल ऑपरेटर, क्या इस प्रकार से अभी भी लगेंगे? ठीक है, आप अगला। युवाओं को नौकरी दी, युवाओं को बीजेपी ने नौकरी दी है, इतने अगर कोई सरकार दे दे बिना खर्ची पर्ची के तो मैं मान जाऊं। अरे सारे युवा भाई तो अकेले 370 धारा 370 का कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं कि हमारे जवान जाके पत्थर खाते थे वहाँ पे, ये वापस से कह रहे उसको बहाल करेंगे, क्यों भाई क्यों? हरियाणा में बहाल करेंगे? नहीं नहीं सर, जम्मू कश्मीर में। तो क्या धारा 370 मुद्दा है क्योंकि हमारे जवान जाते हैं सर जम्मू कश्मीर? ठीक है, तो जवान तो अग्निवीर को लेकर भी बड़ी सारी बातें करते हैं, वो मुद्दा नहीं। नहीं अग्निवीर है, अग्निवीर में क्या है सर, सरकार ने कह दिया उनको नौकरी देंगे, हम बाद में भी नौकरी तो उनको अभी भी दे रहे हैं, बाद में देंगे 25% रखेंगे। हाँ जी एक मिनट, ये बीजेपी की कार्यकर्ता है, ये बहुत देर से परेशान है, शोर बहुत मचाया आपने, आपसे एक सवाल तो पूछ लेता हूँ, बताओ जी क्या सवाल है आप? कांग्रेस वालों से ये पूछिए, इनके प्रत्याशी स्वास्थ्य मंत्री थे, इन्होंने हमारे नारनौल में क्या किया था? 10 साल हो गए जी, अब आपने बीजेपी ने क्या किया, सवाल तो वो होना चाहिए ना। किया है, हमने किया है, क्या किया है? हमने किया है, ट्रॉमा सेंटर हमने कराए, 100 बेड का, 200 बेड का वो, और जो मोटर चलाने वाले आते थे ना वो भी रोहतक जिले से आते थे, आज जो कुल हो रहा है वो बीजेपी का हो रहा है। ठीक है जी, ए आप बोल चुके पीछे ना जी, बताओ भाई साहब, हाथ पीछे बताओ जी, सरपंच साहब के लिए मेरी पैंट खींच रहे थे भाई साहब, कतई कमाल कर दिए। एक मिनट, मुझे लगा आप कैस बड़ा, एक मिनट त्यागी जी रुक जाओ,
बार बार आप मुझे सवाल पूछने के लिए खींच रहे थे, मुझे लगा आपको सवाल पूछना होगा, आप तो सरपंच साहब के लिए। हाँ, मेरा छोटा काम है, 35 लड़के प्रेजेंट सर्विस में बिना पैसे और इसमें बताओ जी सरपंच जी। मैं त्यागी जी गांव से आता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में, अगर ये नहर नहीं आती बीजेपी की सरकार में तो हमारे लोग पीछे 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 पीछे। यादव साहब सबसे बड़ा पीछे, भाई साहब पीछे पीछे पीछे। सबसे बड़ा जो यहाँ पर शायद लोगों के बीच में टीस है कांग्रेस को लेकर, वो इस बात की है कि कांग्रेस राज में बिना पर्ची और बिना खर्ची होते ही नहीं थे किस तरह के। त्यागी जी यहाँ ठेके पे लगे हैं, हाँ कौशल रोजगार पे लगे हैं, परमानेंट कोई भर्ती नहीं करी इन्होंने। पीछे पीछे पीछे, आपका काम सवाल पूछना है, जवाब देना उनका काम है। पीछे हो जाओ भाई साहब, भाई साहब आपने कर ली बात, पीछे हो जाओ। बताओ जी, इन्होंने डी ग्रुप की नौकरी ली है ना, पीछे सारे लड़के पीएचडी लड़के हैं, पीएचडी डी ग्रुप की नौकरी उनको मिली है, क्योंकि रोजगार तो है नहीं हरियाणा में। पीछे यहाँ इन्होंने डी ग्रुप में लगाया है, जो डी ग्रुप में लगे, डी ग्रुप में लगे हो पीएचडी सभी। मैं सोच रहा था भर्तियां तो मैं सोच रहा था कि बड़ी शांति से आप लोगों के साथ बातचीत हो पाएगी, आप लोग करने दोगे ना। पीछे हो जाओ, 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 पीछे हो जाओ। हाँ जी, हरियाणा की मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बड़े प्यार से ही, ये हरियाणा का प्यार है कि इतने जोश में जनता अपने सवाल पूछना चाहती है, पर जोश इतना ज्यादा है कि सिर्फ अपने सवाल पूछने जाते हैं, जवाब सुनने का भी धैर्य कम से कम इतनी यहाँ पर जनता को नहीं है। पर हरियाणा का जो चुनाव है इस बार, इंटरेस्टिंग चुनाव इसलिए भी है कि कई सारे नेताओं को अपना आखिरी मौका लग रहा है, इसीलिए वादों का पिटारा खोल दिया गया है, और एक के बाद एक मैनिफेस्टो हो या वादों के पिटारे हो, जब चुनाव होता है अगर जनता चांद भी मांगती है ना, तो नेता चांद पे भी प्लॉट काटने को तैयार रहता है। अब किसकी बात में समझ में आएगी नहीं आएगी, वो जनता को, नारनौल की जनता को छोड़ देते हैं, उन्हें तय करना है। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लो, अपने लिए बजा लो, बहुत ज़बरदस्त तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा से हमारी जो कवरेज है वो जारी रहेगी, बने रहिए एनडीटीवी के साथ। कार्निवल का कारवां अभी तो बस शुरू हुआ है।